सरदार पटेल सेवा फाउंडेशन द्वारा बेटी बचाओ कार्यक्रम पर मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह जी, पूर्व निदेशक प्रमुख बिहार पटना के हैं। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी श्रीमान यामिन मजुमदार जी यूनिसेफ के प्रमुख है एवं इस मंच पर विराजमान श्री एस के सिंह जी, डॉक्टर माया शंकर प्रसाद जी, सिस्टर जैकलीन जी एवं विवेका जी इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण जिन्होंने दिया, इस संस्था के सम्माननीय सचिव महोदय जी श्री इंद्रजीत कुमार जी एवं हम सब लोगों को एक जगह पर बुलाने वाले, एक जगह पर एकत्रित करके आज की जो संवेदनशील समस्या है बेटी का, उस पर विचार करने के लिए हम सब लोगों को एक छोटा सा हॉल में इकट्ठा किया इतनी भारी संख्या में। ऐसे इस कार्यक्रम के संचालन कर्ता जिनको आप सब लोग गोला जी नाम से जानते हैं, ऐसे श्री राजेश कुमार सिंह जी का एवं इस सभागार में उपस्थित सभी बंधु भगनियों का, प्यारे बेटियों का, बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। बिहार एक जागृत भूमि रही है। यहाँ पर यदि हम लोग इतिहास का देखेंगे तो यहाँ आप सब जानते हैं कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना यह बिहार में हुआ, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने पूरा यहाँ पर एक समग्र क्रांति का एक आंदोलन चलाए थे, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी एवं महात्मा गांधी जी ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू किया था और यहीं से उनको नाम प्राप्त हुआ था, ऐसे महात्मा गांधी जी साथ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के समग्र क्रांति के समय पर आप सब लोग जानते होंगे हमारे आप सबके चाहे थे नानाजी देशमुख जी ने उनके ऊपर जो पुलिस लाठी चार्ज हो रहा था, ऐसे नायकों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए और उन्होंने अपने सर पर वो पुलिस की लाठी चार्ज लेते हैं, ऐसे नानाजी देशमुख जी एवं इसी गांधी मैदान में उस समय पर नानाजी देशमुख जी ने उस मैदान में एक अखंड संकल्प लिया था, राजनीति त्याग कर समाज के लिए काम करेंगे, ऐसा अखंड संकल्प ना मान्यवर नाना जी ने इसी बिहार के पटना प्रांत के गांधी मैदान से लिया, ऐसे नाना जी यहाँ से संकल्प ना लेने के बाद कई जगह पर काम किया लेकिन चित्रकूट में ग्रामीण विकास का एक अखंड संकल्पना और कार्य अपने हाथ में लेकर उन्होंने 500 गांवों को चित्रकूट को केंद्र मानकर 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 500 गांव स्वावलंबी बने, जनता के पहल और प्रसाद पर इस तरह के महापुरुष इस धरती में हम सब लोगों को दिया है। और साथ में जिस बेटी की हम लोग बात करते हैं, जिसका हम लोग प्रातः स्मरण से शुरू करते हैं, ऐसे सीता मैया का जन्म भी इसी बिहार में हुआ है और बेटी बनकर उन्होंने जो अपनी पूरी बिहार प्रांत का क्या देश विदेशों में आज भी नाम कमा रही है, इसीलिए बिहार में पटना में यदि भोला जी द्वारा बेटी बचाओ आंदोलन शुरू होता है, ये एक अभियान की शुरुआत हम सब लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। बेटी एक संवेदना है, बेटी नहीं है तो कुछ नहीं है, ये हम और अच्छे से कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, आप सब लोग अपने पत्रक में पढ़े होंगे, जो आपको कार्ड मिला होगा उसमें आपने पढ़ा, मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता, मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता, क्योंकि हम माँ के कदमों को ही जन्नत कहते हैं और वो माँ ही नहीं रहेगी तो बेटी कहाँ होगी। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ हम सब कहते हैं लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है बेटी को बचाना है तो माँ को बचाना पड़ेगा, यदि माँ सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकती तो वो बेटी कैसे बचेगी, इसीलिए माँ को समर्थ
जवान बनाना, जब माँ बचेगी तो बेटी बचेगी, माँ यदि सक्षम नहीं है तो बेटियों को हम लोग चाहे जितना चाह ले हम लोग बचा नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर अच्छी शिक्षा दीक्षा एवं डिजास्टर मैनेजमेंट का सुबह सुबह हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस में गए, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऑफिस है। और यहाँ आने के पहले उस ऑफिस में मेरा कदम पड़ा और मैम लोगों से मिला, सिंह साहब से मिले, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से मिले। हमें लगा कोई भी कार्यक्रम करने के पहले सोच के ही होता है, ये बेटी बचाओ भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर आने से पहले अपने को मैनेज करना है, अन्यथा एक बहुत बड़ी आपदा अपने ऊपर आ जाएगी। जब आपदा आ जाती है अपनी भारत में लोग चैतन्य हो जाते हैं, अपने ऊपर कष्ट आ जाते हैं तो हम सब लोग चैतन्य हो जाते हैं, अरे कष्ट आ गया, भूकंप आ गया, फिर तूफान आ गया, फिर अपन लोग काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहाँ बैठी हुई प्यारी बेटियों से बहनों के लिए मेरा उद्बोधन रहेगा, प्यारे बच्चों ये एक डिजास्टर आगे आने वाला है और ये डिजास्टर्स को मैनेज करना, चाहे हम लोग कुछ भी कहे, महिला को करना है, पिता को करना है, पति को करना है, नाना को करना है, नानी को करना है, दादा को करना है, मौसी को करना है, मौसा को करना है, लेकिन करना अपने को पड़ेगा। प्यारे बच्चों आप लोग डरो मत, माँ बनना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन आप लोग यदि छुपन से इन चीजों को नहीं ध्यान दोगे आगे बढ़कर बड़ी कठिनाइयां होने वाली है। तो आप लोगों को लगेगा अरे बेटी पैदा हो जाएगा तो हमारे ऊपर बड़ी आपत्ति हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे सुनते आ रहे हो और देखते आ रहे हो, कॉलेजेस में सुनते हो। लेकिन प्यारे बच्चों आज आपको लग सकता है बेटी को दहेज देना पड़ता है, बेटी पराया धन है। ये हम लोगों को पैदा होते ही साथ कहते हैं बेटी पराया धन है, लेकिन ये पराया धन नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है, हमारे ऊपर कोई इनके ऊपर बच्चे का एहसान नहीं है, ये हमारे एसेट है, ये हमारी संपत्ति है। यदि माँ पाल पोस कर एक बढ़िया बिटिया को पालती है, अच्छी संस्कारवान बनाती है, तो वो दो परिवारों में अपना नाम कमाती है। और इसको हर चीज आप एक रचनात्मक वे में सोचे, पॉजिटिव वे में सोचे। हम ये नहीं कहते प्रॉब्लम नहीं है भारत देश में या बिहार में, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम्स को लेकर रोते क्यों खड़े रहे? हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं किया है गोला जी ने। यहाँ पर गोला जी ने सोच समझ कर नई नवेले दुल्हन को दुल्हा को बुलाया है और ऐसे एडोलेसेंट गर्ल्स को यहाँ बुलाया है और ऐसा अभिभावक बंधु भगनियों को यहाँ बुलाया है और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे एनजीओ को बुलाया, चाहे वो मौलाना साहब हो अभी जिनका अपने वक्तव्य सुना, या रेड क्रॉस सोसाइटी को, यूनिसेफ के जो मुख्य चीफ हो, आप सबके सामने इसीलिए बुलाया। समस्याएं बहुत है, समाधान खोजने की जरूरत है। बेटी को हम लोग पराया धन न समझ कर, उसको संपत्ति समझ कर लालन पालन पोषण इतना प्यार से करिए कि मजा आ जाए जीवन में। हमारे पास एक ऐसी एसेट है जिसको हम जब चाहे तब हम समाज के परिवर्तन के लिए उपयोग कर सकते। लोग सोचते हैं बेटा पैदा हो गया तो ट्रंप कार्ड मिल गया, हमें दहेज में खुद तक के पैसा मिल जाएगा, उस ट्रंप कार्ड के ऊपर इतराना शुरू करते। लेकिन हम कहते हैं आगे वाले युग में ट्रंप कार्ड से भी होंगे तो हमारी बिटियाएं होंगी, क्योंकि हमारे पास दो बिटिया है। मैं दो बिटियों की माँ हूँ, जब भी उनकी चहक सुनती हूँ, जब भी वो दो बेटियां नाचती है, जब भी वो मेरे इशारे पे बात करती है, माँ 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 माँ, पिताजी पिताजी, ये लाइए वो लाइए, घर में ये करिए वो करिए, पायल चाहिए, बेंदी चाहिए, चूड़ी चाहिए, लगता है बेटी की किलकारी हमारी एसेट है। हम पैसा नहीं कमाते हैं, आज के युग में सब लोग कौन बनेगा करोड़पति में पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन माँ यदि सक्षम है, परिवार यदि संस्कारवान है, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारी दोनों बेटियां संस्कारवान बने, अच्छा नाम कमाए। जितनी भी गड़बड़ बातें आपने अभी कॉलेजेस में सुना उसमें हमारी बेटियां ना जाए, ये सब के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन लोग पराया धन कहते एक बार हमें सच भी लगता है, क्योंकि बेटी जिस घर में पैदा होती है जीवन पर्यंत वो एक ही घर में नहीं रहती है। सीता मैया को भी कितने अच्छे से पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन जब स्वयंवर होता है प्रभु राम जी के साथ वो चली जाती है,
परायों के धन को अपने को बड़ा संभल कर रखना पड़ता है और सूत समेत वापस करना पड़ता है। बेटी जरूर हमारे घर में जन्म लेती है लेकिन उसके ऊपर कोई आक्षेप न लगे। और लोग कहते हैं कन्या दान महादान है और उससे बढ़कर कोई दान नहीं है। अभी हम लोग ने शरदोत्सव का कार्यक्रम चित्रकूट में किया था, नितिन मुकेश वहां पर गायन करने के लिए आए थे, लगभग 25,000 से 30,000 की भीड़ में वो गाते हैं, वो उनकी प्रार्थना है। तो क्यों ना हम लोग भी ऐसा प्रार्थना बनाए, वो गाते कन्या दान महादान है। तो कन्या दान जब महादान है, जिस चीजों को हम लोग को दान करना है, दूसरी परिवार को संस्कारवान बनाने के लिए दान करना है, तो हम लोग उस पे कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए। दान हम लोग जो भी देते हैं बड़ी सुंदर चीजें देते हैं, कागज नोट फटी होती है तो अपन सोचते हैं ये दान न किया जाए पाप पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भारत देश के वासी है। भारत देश में महिला पुरुष बच्चा ये सब अलग नहीं किया जाता। भारत देश की परंपरा है, अपनी संस्कार है, परिवार एक मूलभूत इकाई है, फैमिली इज अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जब परिवार को अपन केंद्र करके बात करते हैं तो अपने को बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं, महिलाओं को संस्कारवान बनाने की जरूरत नहीं, पुरुषों को अलग से एजुकेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन परिवार में बड़े बुजुर्ग सब मिलकर रहते हैं तो बेटियों को बचाया जा सकता है। जब माँ बनने की स्थिति में जब लड़की गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, हम कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं है, गांव में काम करते हैं। राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी से जो अनुभव हमने प्राप्त किया है उन्हीं के आधार पे हम बात करेंगे। हम जब पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो नाना जी इतनी खुशी हुई, उनको एक ताई जी जाके बता दे कि आज नंदिता का ऐसा है दूसरा या तीसरा महीना। फिर नाना जी की खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग सोच रहे होंगे नाना जी ने बोला होगा जाओ स्कैनिंग कराओ अल्ट्रासाउंड कराओ क्या है बच्चा, ये नहीं बोला उन्होंने। उनके पास जो खुशियों का जितनी चीजें होती है वो सबसे मेरा स्वागत करते और 9 महीना तक वो मेरा ख्याल करते। जरूर वो शादी नहीं किया नाना जी ने, जीवन पर्यंत प्रचारक रहे, लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ तो उनको खुशी आप देख सकते हैं। वो समाज में जितनी अच्छी अच्छी महिलाएं होती थी, अच्छा अच्छा खाना पकाने वाले होते थे, उनको कहते थे हमारी नंदिता के लिए बना ला वो खाएगी। ये अपनी भारत देश की परंपरा रही है, इसीलिए पहले छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोख में आए हुए बच्चों को कोई मारता नहीं था, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा प्रेशर होता था। गर्भस्थ शिशु संस्कार की बातें अपने यहाँ होती थी, लोग गांव-गांव से चीजें बनाकर उस महिला को खिलाना सबसे बड़ा भगवान की पूजा मानते थे। तो बिटिया हो चाहे बेटा हो, उस महिला को पालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे हम सब लोग व्यक्तिवादी होते चले गए, हम लोग परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करने लगे और पति पत्नी चाहते अरे बिटिया ज्यादा हो जाएगा तो कौन देखभाल करेगा, ये चिंता सताने लगा। हम कहते हैं सब कुछ जब भगवान दे रहा है तो क्या अपनी बेटियों को वो पालेंगे नहीं। ऐसे छोटी सी नन्ही सी बच्ची को मैं कई वीडियोस देखी हूँ, इतना तड़पता है जब पेट से उसको निकाल कर मारते हैं। यदि माँ बनने वाली महिला पहले से इतनी दैत्य हो जाएगी तो बड़ा संकट है, लेकिन ये हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ ये नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। दूसरों को पढ़ाने के लिए हम कोई समाज सुधारक नहीं है कि पूरे समाज को हम एक साथ सुधार सके, लेकिन अपने ऊपर तो अपने को कंट्रोल होना चाहिए। हमारी कोख में चाहे भैया आए छोटी सी बेटी आए हम उनको पालेंगे। तो इस तरह का जब लड़की छुटपन से सोचेगी उसको कोई डगमगा नहीं सकता, आपका पति भी नहीं बिगाड़ सकता, माँ भी नहीं बिगाड़ सकती, सास भी नहीं बिगाड़ सकती, नंद भी नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग आज सुबह हंस रहे थे जब बेटी पैदा होती है तो सिर्फ एक ही को खुशी होती है, हम लोग मजाक में बात कर रहे थे वो जेठानी को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटी जब किलकारी करती है थोड़ी देर के लिए लोग कह सकते हैं, लेकिन जब बेटी
चलना फिरना गाना वगैरह करना शुरू करती है वो सबको खुश कर देती है। क्योंकि आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैं जरूर आंध्र प्रदेश की पैदा हुई, मध्य प्रदेश में काम करती हूँ, मेरे पतिदेव मध्य प्रदेश के हैं, मेरे पतिदेव उनकी माँ का इतना ध्यान नहीं रखते, उनको फुर्सत भी नहीं। मेरी माताजी ने जरूर अपने बेटे को जन्म दिया, मेरी माँ ने 3 बेटियों को जन्म दिया, उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ तो उस घर में मेरी माँ बताती है बड़ी खुशियां बांटी गई। लेकिन ऐसे करके हमारी तीनों लड़कियों के लिए भी खुशियां बांटी गई थी, लेकिन फिर भी लड़के का चाहत था तो दादी माँ वगैरह ने बड़ा फंक्शंस किया। मेरा भाई शादी किया, दुबई चला गया, पत्नी के साथ रहता है, वो शायद ही याद करता है मेरी माता पिता को, लेकिन मेरी छोटी बहन, मैं, बड़ी बहन हमारी माता पिता को निरंतर याद करते हैं। जब भी जरूरत होती है तो मेरी छोटी बहन वही हैदराबाद में उसकी सेवा करती है। तो हम लोग क्यों करें भेदभाव, क्यों करें गड़बड़ियां, बिटिया भी आज सब कुछ कर सकती है। तो छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे, डरिए मत, हम लोग जिस प्रकार के हैं उस तरह हम लोग आगे भी समाज को संभाल सकते हैं। लोग कहते हैं मौसी चाहिए, मौसी नहीं होगी तो मौसा जी कहाँ से आएंगे। लोग कहते हैं जीजा जी चाहिए, दीदी नहीं होगी तो जीजा जी नहीं आएंगे, मौसा जी तब नहीं आएंगे जब मौसी नहीं होगी, तो बुआ होगी तो फूफा जी आएंगे, दीदी होगी तो जीजा जी आएंगे, मौसी होंगे तो मौसा जी आएंगे। लेकिन लोग कहते हैं बेटे नहीं चाहिए हमको, माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, लोग कहते हैं बेटी नहीं चाहिए। तो ये कितनी विडंबना है, लेकिन इसका कारण है आज का जो कौन बनेगा करोड़पति, हरेक व्यक्ति हरेक रिश्ता को पैसे से तोड़ता है, इसीलिए ये गड़बड़ियां हैं। हम कहते हैं आप लोग किसी चीज को पैसे से मत तोड़िए, ये बड़ी संवेदना है। एक तो आज आप लोगों को पता होगा कितने बड़े बड़े संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे तुमको 4 लड़कियां हैं, अरे 5वां लड़का के लिए मैं दवाई देता हूँ, तुम आ जाओ, तो होड़ लगी है। तो ये होड़ में हमें नहीं लगता कि किसी की दवाई से या किसी के उससे, जैसे मैडम ने बताया था, ये सब साइंस का खेल है, क्रोमोसोम्स का खेल है। तो इसीलिए इस तरह की बहकावा में हम लोग ना जाएं, पाप ना करें। भारत देश आज भी भगवान का देश है, खासकर बिहार तो आपको मालूम ही है कितनी बड़ी देवी को यहाँ के लोगों ने दिया। वो देवी को लव कुश से पैदा हुए, उन्होंने बेटा समझकर उसको कोई बहुत सेवा नहीं की, वो दोनों बेटों को, वो इसीलिए जंगल गई थी कि दोनों बेटों को उन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया। तो उनको ऐसा नहीं पाले, अरे लड़का है तो 4 ग्लास दूध पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा सीता मैया ने नहीं किया। तो क्यों हम सब लोग करें, बिटिया को भी उतना ही एनर्जी चाहिए, उतने ही कैलोरीज चाहिए, उतने ही शक्ति चाहिए, उतने ही पढ़ाई चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, कई बार मैं महिला होकर कई लड़कियों के ऊपर नाराज हो जाती हूँ, आप लोग भी होते होंगे। कल एक स्टेशन में मैंने 3 लड़कियों को ट्रेन से उतरते देखा, हो सकता है ये विषय इससे अलग हो, लेकिन डर है माता पिता का। लेकिन मैं कहती हूँ माँ यदि अच्छी है तो बिटिया ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। हमारे भोला जी ने बोला इस कार्यक्रम में कोई जीन्स पैंट पहन के नहीं आएंगे, सब सलवार सूट्स पे आएंगे। ये इसीलिए नहीं है, आपको बंधन में नहीं रख रहे, ये अपनी परंपरा है, रीति है, रिवाज है। यदि लड़की ही नहीं बचेगी तो ना परंपरा बचेगा, ना रीति बचेंगे, ना रिवाज बचेंगे, ना उत्सव, ना त्योहार, कुछ नहीं बचेगा। जो संवेदनशीलता की बात हम लोग ने सुना, जो ह्यूमैनिटी की बात है, मानवीयता की बात है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए बेटियों को हम लोगों को पालना पड़ेगा, पोषना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, ताकि समाज में जो अपनी भारतीय परंपराएं हैं वो सब बचा सके। और हम आपसे निवेदन करते, एक भैया यहाँ पर जैसे एक बिटिया के साथ दुष्कर्म या कुछ गलत हो रहा था, उसको बचा लिया, लेकिन ट्रेन से 3 लड़कियां उतर रही थी, हमें देख के ऐसा लगा काश मेरे हाथ में गन होता तो मैं शूट कर देती। वो लड़की नहीं चाहिए हम लोगों को, वो बेटी समाज को नहीं चाहिए जो समाज पे बोझ बने, वो है लायबिलिटी। लेकिन यहाँ बैठी हुई प्यारी बेटियां ये एसेट है हमारे लिए, वो बोझ है। हम ऐसे वस्त्र का धारण नहीं करेंगे, हम दूसरों को भड़काने वाला काम हम नहीं करेंगे, हम हर समय अच्छा काम करेंगे, क्योंकि लड़कियों को बड़ा सौम्य पैदा करता है। आप लोग कैसे